guys, how are you all? Hope you're doing well. I'm Tanuja Rakpal and welcome back to my channel, Women's Natural Healthcare. So guys, देखिए जब सफलतापूर्वक महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, यानी बच्चा सफलतापूर्वक रुक गया है महिलाओं के पेट में, तो उसके बाद बहुत ही कॉमन सा सिम्टम है दर्द होना. और दर्द भी महिलाओं के बहुत से बॉडी पार्ट में होता है. थ्रू आउट जो प्रेगनेंसी की जर्नी है उसमें आपको बहुत जगह पे पेन होगा, अलग अलग तरीके का पेन होगा. बट जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करें तो पीरियड डेट से पहले आपको कौन से अंगों में दर्द महसूस हो सकता है, किस तरीके का दर्द होता है, कैसे आप इन दर्द के थ्रू जान सकते हैं कि आपकी जो बॉडी में पेन हो रहा है ये प्रेगनेंसी का ही साइन है, ये आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ. देखिए दर्द होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है. अगर आपको चोट लग जाती है तब भी दर्द होता है, अगर आप ज़्यादा काम कर लेते हैं तब भी आपकी बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाता है, ज़्यादा चल लेते हैं पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है. जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करते हैं तो पाँव में दर्द होना बहुत ही कॉमन सा सिम्टम है, बहुत सी महिलाओं को देखा जाता है और बहुत ही अर्ली फेज में देखा जाता है. बट जो ये दर्द होता है गाइज, ये दर्द महिलाओं को ज़्यादातर जब महिलाओं की बॉडी रेस्ट पे होती है, और महिलाओं की बॉडी रेस्ट पे कब होती है, जब महिलाएं सोती हैं, तो ज़्यादातर महिलाओं में जो लैक पेन की दिक्कत है वो रात में महसूस होती है. इवन मेरी प्रेगनेंसी में मैं रात को उठ के अपने पाँव को दबाना शुरू कर देती थी, बाहों में गर्म पट्टी लगाना शुरू कर देती थी. ये कुछ इस तरीके की दर्द होती है जब आप ज़्यादा वॉक कर लेते हैं. जैसे आप रोज़ 2 किलोमीटर चलते हैं, अगर आप किसी दिन 5 किलोमीटर तक चल देते हैं, 6 किलोमीटर चल देते हैं, तो आपके पाँव में जिस जगह पे दर्द होता है उसी जगह पे आपको प्रेगनेंसी में भी दर्द होता है. बट ये दर्द आपको रात को दर्द होता है. ये आपकी काफ की जो मसल्स हैं, जब आप ज़्यादा चल लेते हैं तभी भी काफ की मसल्स में दर्द होता है, तो ये काफ की मसल्स में आपको दर्द होता है. ये दर्द आपको बहुत ज़्यादा तेज नहीं होता, बट कभी कभी ये दर्द आपको तीखा सा महसूस हो सकता है. और इसके साथ साथ ये दर्द आपके एंकल एरिया में, आपके फीट में, थाइस में भी आपको महसूस हो सकता है. ये दर्द एक दिन के लिए नहीं होता. जैसे आप अगर आप वॉक की हैं तो वो दर्द 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, आप गर्म पट्टी करेंगे वो ठीक हो जाता है. बट ये दर्द आपको लगातार रात को ज़्यादातर आपको फील होगा. इसकी वजह से आपको नींद आने में दिक्कत आती है, कई महिलाओं को इंसोमेनिया की भी दिक्कत हो जाती है, बुरे बुरे से सपने आने लगते हैं जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं. और इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि महिलाओं की बॉडी में बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत हार्मोन का फ्लक्चुएशन हो रहा होता है, कुछ नए हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से नए नए से चेंजेस महिलाओं को दिखाई देते हैं. और जो चेंजेस की इंटेंसिटी है जब महिलाएं सोती हैं तो इंटेंसिटी आपको ज़्यादा महसूस होने लग जाती है, जिसकी वजह से महिलाओं को सोने में भी दिक्कत आ सकती है. तो सबसे पहले आप इस तरीके का पेन अपने पाँव में फील कर रहे हैं तो समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी का साइन है. बट इसके अलावा आपके बैक में भी पेन होता है, कमर की साइड पेन होता है, वो भी लोअर बैक में होता है. अपर साइड में बहुत कम चांसेस है, लोअर में ही होगा और सिर्फ एक साइड पे होता है, या तो राइट हैंड साइड पे होगा या लेफ्ट हैंड साइड पे होगा या मिडिल पे होगा. ये बैक पेन होता है. बैक पेन भी आपको लाइक आप बैठ रहे हैं, अगर ज़्यादा देर तक किसी जगह पे बैठे हैं तो आपको ज़्यादा दर्द करने लग जाएगा. ये जो बैक पेन है ये भी ज़्यादा आपको ऐसा तीखा पेन नहीं होगा, कम कम सा पेन होगा, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, अचानक से आपके बैक में पेन होने लग जा रहा है, अचानक से आपका बैक पेन गायब हो जा रहा है. इसके साथ साथ आपके यूट्रस की साइड आपको पेन होता है जब आपका इम्प्लांटेशन सफल होता है, यानी जब बच्चा सफलतापूर्वक यूट्रल लाइनिंग में आरोपित होता है तो सबसे पहले आपको यूट्रस की साइड पेन होता है. और यूट्रस में भी उसी जगह पे होगा जहाँ पे बच्चा इम्प्लांट होता है. बच्चा आपका लेफ्ट हैंड साइड पे भी इम्प्लांट हो सकता है, राइट हैंड साइड पे भी इम्प्लांट हो सकता है. जिस भी साइड पे इम्प्लांट होता है उसी ही साइड पे आपको ऐसा सुई चुभनी जैसी चुभन या तलवार चुभनी जैसी चुभन या झंझनाहट सी सेंसेशन या कुछ खिंचाव टाइप आपको फील हो सकता है. क्योंकि जब बच्चा आरोपित होता है गाइस तो वहाँ थोड़ा सा खिंचाव भी होता है, तभी जाके वो अंदर को बरो होता है, जिसकी वजह से आपको पुलिंग जैसी सेंसेशन या आपकी स्किन को कोई स्ट्रेच कर रहा है, ये जो सेंसेशन है ये आपको हल्की हल्की सी फील होती है ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन. तो यहाँ पे आपको दर्द हो सकता है. साथ ही साथ जो हार्मोन का फ्लक्चुएशन हो रहा होता है उसकी वजह से आपको ब्रेस्ट में पेन होता है. जो ब्रेस्ट में पेन होता है कुछ महिलाओं को पीरियड आने से पहले भी होता है. अगर आपको ब्रेस्ट का पेन ओवुलेशन के जस्ट बाद नजर आ रहा है या 2-3
दिन बंद नजर आ रहा है तो आपके पीरियड आने का साइन है। अगर ब्रेस्ट में जो पेन है या आपको आपकी पीरियड डेट से 3-4 दिन पहले या 4-5 दिन पहले हो रहा है और डे बाई डे इंटेंसिटी इसकी ज्यादा बढ़ रही है, हाइपर सेंसिटिव आपको ब्रेस्ट लग रही है, अनकंफर्टेबल सी ब्रेस्ट लग रही है, सोनेस टेंडरनेस जैसी फीलिंग हो रही है, ब्रेस्ट बहुत ज्यादा मुलायम लग रहे हैं, आप गलती से भी हाथ लगा रहे हैं तो टाइट आपकी ब्रेस्ट जो बहुत टाइट सी हो जाती है, ऐसा लगता है आपकी अंदर कुछ गांठे हो गई, तो वो गांठे वाटे कुछ नहीं होती है क्योंकि प्रेग्नेंट होने में महिलाओं की बॉडी पहले दिन से तैयार होती है जिसकी वजह से वो मिल्क डक ग्लैंड होती है, साथ ही साथ छोटे छोटे से आपको बम्प्स भी नजर आ सकते हैं, तो ब्रेस्ट में थोड़ा अनकंफर्टेबलनेस ज्यादा लगने लगती है, साथ में आपको पेल्विक एरिया में भी पेन फील होने लगता है, अनकंफर्टेबलनेस होने लग जाती है, आपको वजाइना की साइड थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने की वजह से स्वेलिंग जैसी दिक्कत, आपको हल्का सा पेन महसूस हो सकता है, तो इन अंगों पे जो दर्द है आपको पीरियड डेट से पहले ही महसूस होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो वैसे वैसे आपका बेबी बम्प भी बाहर को आता है, जो सारा प्रेशर होता है वो आपके पाँव में स्पाइन में, जिसकी वजह से बैक पेन की दिक्कत थ्रू आउट प्रेगनेंसी या पाँव दर्द की दिक्कत थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको महसूस हो सकती है। अगर इस तरीके के दर्द आपको हो रहे हैं जैसे मैंने डिस्क्राइब किया है तो ये आपकी प्रेगनेंसी को ही दर्शाता है, और इस कंडीशन में अगर आपको पीरियड से 1 हफ्ता पहले ही ये चेंजेस दिख रहे हैं तो अगर पीरियड डेट के 2-4 दिन के बाद भी आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो वो बिल्कुल पॉजिटिव आएगा, तो इसी तरीके से आप पता कर सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी का। एंड यही आज का वीडियो, होप करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, विल सी यू सून माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।